भाई यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है। तो हम आ गए हैं बीप में दीदी और जीजू की एनिवर्सरी पार्टी को सेलिब्रेट करने। तो भाई मुझे तो ऐसी जगह बहुत पसंद है और मैंने ही जीजू को कहा था किसी बढ़िया सी जगह पर ले जाओ जहाँ दिल खुश हो जाए। तो दीदी और जीजू मेरे कहने पे मुझे इधर लेकर आया। भाई साहब क्या जगह है ये, मज़े आ गए मेरे को तो, ऐसी जगह पसंद है हमेशा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा व्लॉग डायरेक्ट यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ है। क्यों, रीज़न, क्योंकि जब हम लोगों को पहले पार्टी में जाना था उस दिन तो दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी और हम लोग नेक्स्ट डे पार्टी में गए थे। उस दिन मेरा फ़ोन, मैं घर पे ही रुक के आई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई और भैया ने मुझे अपना फ़ोन दिया ही नहीं ब्लॉग बनाने के लिए। फिर जीजू ने मेरे को फ़ोन दे दिया कि ले बना ले तू ब्लॉग। ये सब डेकोरेशन वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये भाई साहब को इतनी ठंड में ऊपर क्यों खड़ा कर दिया है? ठंड नहीं लगती क्या इनको? इनके अंदर जान नहीं है क्या? अरे भाई नीचे उतार दो उन्हें, ठंड लग जाएगी। सच में इंसानियत का तो जमाना ही नहीं रहा है, उनको अकेला खड़ा कर रखा है, बताओ ये भी कोई बात है? और तू क्या देख रही है भाई इधर? तेरे खाने के भी पैसे हम लोग देकर जाएंगे यहाँ पे। देखो भाई लोग इतनी महंगी जगह पर आकर इतने पैसे देकर भी बाहर बैठे हुए हैं ठंड में ठिठर ठिठर के। अरे इतने बढ़िया बढ़िया ये रूम्स बन रहे हैं कांच के अंदर, गर्मी में बैठो ना यार, बाहर क्यों बैठे हो फालतू में ठंड में ठिठरना? अब हम लोगों को भी देख लो, हम लोग भी तो जा रहे हैं ना अंदर, कांच के अंदर बैठेंगे आराम से, क्यों बैठे बाहर सर्दी में भाई? अंदर बैठने का फालतू में क्यों ठिठरना है, बीमार होना है क्या? चलो अब आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ और हमारी कुंजी कैसी लग रही है। ए मेरी जगह पे आती है, मुझे भूल गई, उसको छोड़ दो खेलने दो। ये भी आ रहा नहीं तो ये भी टेक लगाने का है तो वो कितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। हम लोग एकदम लग्जरियस पर्सन
और लाइटें भी तू है जाओ सामान छेलो इतना सारा सामान है जाओ छेलो अजय बंद भी है यहाँ पे आराम से कश कैसे कश मैं भी खा लेती हूँ मौसी डांस तो करो यो ऐसे 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 करके ऐसे मौसी ऐसे टिंजू ऐसे चढ़ो डांस करो ऐसे बल्ले बल्ले बेचारी क्विंसी यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाएगी कितनी अच्छी अच्छी टेबल लगी है यहाँ अभी तो मेरा ब्लॉग बनना है चक्कू नाइफ ये तो पुराना सा लग रहा है तुमको यही चाहिए मैं तो वो खाऊंगी कुछ भी बना लो पर कोई दाल मत मंगाना दाल नहीं अच्छी लगती जे भैया हमेशा कहीं पे भी जाते हैं तो कहते हैं वो वाली दाल मंगा लो क्या कहते हैं उसको दाल मखनी से बोर हो गई हूँ मैं हट जाओ हम भरिया ज्यादा आ रहे हैं क्या हाँ यहाँ से निकलो 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 नहीं थोड़ा स्पाइसी ये कलर नहीं मलाई होता चार बड़े
तुम नहीं जाओगी? मैं भी नहीं जा रही। अरे नहीं जा रही, अरे मैं नहीं जा रही, मैं बैठ गई। मुझे चलो आप देखे आना, जाओ तुंजू। तो अब मैं चल रही हूँ जैकेट उतार कर अपने बालों को ठीक करके फोटो क्लिक्स कराने, क्योंकि फोटो क्लिक्स कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी जगह आए और अच्छे लोकेशन पे फोटोज क्लिक नहीं करी तो फायदा क्या हुआ अच्छी जगह आने का? ऐसा वसूल भी तो करना होता है ना यार। दीदी जीजू दिल खुश कर दिता तुसी, मैनू बहुत मजा आया। छोटे छोटे ट्री भी रखे हैं सामान रखने के लिए, सब कुछ है यहाँ पे। रोटी खिला दो, मुझे दुला दो। अरे मैं खिला दूंगी, मौसी को तो नहीं तो मौसी खिला देंगी। क्या बात है, क्यों रो रही है? जे बाहर से कुछ अलग ले लेंगे ना।
थोड़ी सी प्याज डाल दो मेरे ना पनीर पनीर में प्याज डाल दो ग्रेवी अच्छा ग्रेवी सच बताऊं तो मुझे भी बाहर जाकर डांस करने का बहुत मन कर रहा था लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करे हुए बैठी थी बस शांति से क्योंकि भैया को बाहर जाना नहीं था दीदी को जाना नहीं था दीदी को जाना नहीं था उनसी को जाना नहीं था और मौसी को भी नहीं जाना था किसी को जब डांस करने जाना ही नहीं था तो मैं भी क्या करती यार अकेले इन लोगों को मैं जानती थोड़ी नहीं थी जो इन लोगों के साथ डांस कर लेती बाहर जाके मेरा डांस रह गया यार भाई ये बोतल हटाना सामने देखो भैया के फोन से लूं उनका कैमरा और अच्छा है भैया अपना कैमरा देना मौसी आप वीडियो बना लो चालू है ना कुछ करना तो नहीं है यहाँ पर मुझे ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ वीडियो बन रही है ये बात मुझे पता है लेकिन दीदी को नहीं पता था कि वीडियो बन रही है उन्हें लगा मौसी फोटो क्लिक कर रही है लेकिन मैंने उन्हें व्लॉग बनाने के लिए फोन दिया था इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी उस टाइम मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी उस टाइम अपनी हंसी को प्लेट मंगा लो छोटी वाली भैया ये बजा दो छोटी वाली प्लेट चाहिए एक मैं भी निकाल लूँ इसमें से वो आप दोनों खा लो
जी जीजू, जीजू जी के जीजू जी लिखा है, जीजा जी जीजू डांस करा है? मैं अकेली थोड़ा नहीं नाचूंगी वहां पे, मौसी आप चलोगी? ये थोड़ा नहीं होता, खड़ी हो जाऊंगी ऐसे करेंगे, क्लास पकड़ के नशेबाजों की तरह डांस करेंगे, गाने तो बाहर है, लाइट भी बाहर है, वाह स्टेज तो वहां पर ही है। भैया भैया फिर से बजा दो, तो यहीं से आप तो कर रहे थे कहीं और से पी लेंगे या कुछ खा लेंगे? कुछ पीने के लिए नहीं मंगा रहे मौसी, आप क्या पियोगी? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पिएगा, भाई इनका ध्यान रखो, इनको अच्छा लग रहा है तो। जीजू हमको लेकर आए पिज्जा खिलाने, क्योंकि मैंने उनको कहा था रास्ते में कि मुझे अभी और भूख लग रही है, मुझे कुछ और भी खाना है, और ये क्विंसी का फेवरेट प्लेस है। और ये क्विंसी का फेवरेट प्लेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिशेज है, ये सारी फिश यहाँ पर, मतलब ये पूरा ये जो भी इसे बोलते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है ना क्विंसी, यहाँ 4-5 बार पहले भी आ चुकी है, तो उसको याद है कि इस जगह पे, इस कॉर्नर पे ये यहाँ पे रखा रहता है फिशेज, इसमें उसको बहुत अच्छी लगती है ये। और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, लेकिन ये मुझसे पहले 3-4 बार आ चुकी है यहाँ, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ, और क्योंकि ये 3-4 बार आई है ना, तो ये सबसे पहले इसी जगह पर, इसी कॉर्नर पे गई थी, कि इसको याद था कि यहाँ पर फिश का ये पॉट रखा हुआ है, इस वजह से। फिर बाद में मैंने देखा था, हाँ।
फिर बस हम लोगों ने ये पिज्जा खाया और इसको खाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रुके और फिर हम अपने घर चले गए। बस यही था हमारा आज का दिन और आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय। राधे राधे। अरे अभी भी यही हूँ, चलो ये देख लो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।